Jumbo, India's 3D animated movie, is all set to give competition to Aamir Khan's starrer Gajini. As they are both set to release on the same day, Jumbo crew also wants to set out and promote their film. Not only that, they also believe prayers does wonders. Thus, they visited the Siddhivinayak temple for the same. Seen here were Ashutosh Rana, Aditi Govatrikar and Madhur Bhandarkar. जंबो जो फिल्म है वो एक हाथी के ऊपर है और हाथी अपने आप में हिंदुस्तान या कहें दुनिया का इतना क्यूट जानवर है और कि उसे आप चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों आप हर मामले में उसको पसंद करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हाथी हो गए या हम लोग हो गए, तो हम लोग सब गण हैं। तो गण जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो गणपति का आशीर्वाद लेते हैं, तो उस नाते गण हाजिर हुए अपने गणपति के आशीर्वाद के लिए। एनिमेटेड फिल्म का संबंध जो होता है वो आपके अंदर, हर इंसान के अंदर जो बच्चा मौजूद होता है उसके लिए होता है। कहीं ना कहीं एक जानवर का यहाँ पे इंसान के बारे में क्या मानसिकता है उसकी आज के दौर में और उसका क्या रिश्ता बनता है उसके टेम्परामेंट की वजह से जानवर का और इंसान का, वो कहाँ है। एनिमेशन का संबंध हर इंसान के अंदर जो बच्चा मौजूद है उससे होता है और जंबो यदि इस जोनर को और इस मानसिकता को अगर खिलखिलाने में, अगर गुदगुदाने में सफल हो गई तो आप देखेंगे कि एनिमेशन फिल्म का एक इतना बड़ा बाजार खड़ा हो जाएगा कि लोग उसको रातों रात स्वीकारने लगेंगे। नहीं, भगवान से हर कोई मानता है और हर कोई पूजा करता है, हर कोई दुआ करता है। तो मेरे ख्याल से चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, तो मेरे ख्याल से उसके चौखट में सब लोग आते हैं। और हम फिल्म के इंडस्ट्री वाले कुछ ज्यादा ही भगवान में जो एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता है, चाहे वो शिरडी हो, तिरुपति हो, वैष्णो माता हो, चाहे हाजी अली हो, हमेशा हम लोग उस तरह से बिलीव करते हैं। अक्षय सुपरस्टार है, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है और बच्चों में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है और कहीं बाकी लोग भी है, लारा है, राजपाल यादव है जिन्होंने डबिंग की है और जिन्होंने अपना योगदान दिया है पिक्चर को। तो डेफिनेटली फॉरेन में भी इस तरह की बात होती है जहां पे आप देखते हो कि अलग अलग बड़े बड़े स्टार जो है एनिमेशन फिल्म को डब करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पे ऐसा ट्रेंड है और मैं जंबो की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत फन फिल्म लग रही है, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि अक्षय जी जो है उनके साथ अभी जो फैक्टर किया, आप प्रियन जी की वेद नादन उसमें मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो दिस रिलीज इज न्यू राइट नाउ, इट्स गोना बी देयर, सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई लव इट, मुझे बहुत मजा आता है। टॉम एंड जेरी जब शुरू हुआ था तब से आज तक जो हमारी जंबो जैसी फिल्म है, आई लव वॉचिंग एनिमेशन।